हेलो बच्चों बच्चों, आज हम गणित ए की मात्रा कर रहे हैं और हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें मात्रा नहीं लगी है। अब हमने इन्हें सही स्थान पर गणित ए की मात्रा लगा के इन शब्दों को सही करना है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये शब्द खूब छोटे छोटे शब्द हैं जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आसानी हो शब्द मात्रा को लगा दें। तो सबसे पहले हमारे पास जैसा ना, जैसा कोई शब्द तो हमने नहीं सुना है, कोई शब्द नहीं होता है, कहीं तो मात्रा गड़बड़ है। तो हमें लगाना है दो मात्रा जैसा। आगे बढ़ते हुए अगला हमारे पास है पर, ठीक है। तो अब पर में हम दो मात्रा लगाएंगे, किसके लगाएंगे, र के ऊपर या प के ऊपर। अब हमने अगर र के ऊपर लगाया तो क्या हो गया, परे नहीं, प के ऊपर लगाए तो पैर। तो हमने लगा दिया प के ऊपर पैर, ठीक है। आगे है हमारे पास पसा। अब हमने मात्रा सा के ऊपर तो नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, तो हम प के ऊपर लगाएंगे और बन जाएगा पैसा। आगे बढ़ते हैं थ के ऊपर मात्रा लगाएंगे थैला। म के ऊपर मात्रा लगाएंगे मैला। मैला तो एक बार देख लेते हैं, जैसा पैर पैसा थैला मैला। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द दिए हैं यहाँ कसा, साथ ही पर तो नहीं लगाएंगे मात्रा, सौ के ऊपर लगाएंगे तो बन जाएगा पैसा। चलिए अगला हमारे पास है मना। अब ना के ऊपर नहीं लगाएंगे हम, किसमें लगाएंगे, म पर, बन जाएगा मैना। आगे बल। अब लगाएंगे हम, अगर ल के ऊपर मात्रा लगाएंगे बले बनेगा और ब के ऊपर लगाएंगे तो बन जाएगा बे। तो हम किसमें लगाएंगे, ब के ऊपर लगाएंगे। दफ्तर अब इसके ऊपर लगेगा देख के तो नहीं होगा, द कैट होगा या द कते, क्या होगा, द कैट, द कैट मतलब रॉबर्स है ना। फिर हमारे पास शैतान। तो शब्द समझ में आ रहा है हमने, तो हम लिखेंगे शैतान। अंत में हमारे पास है पौधा, तो क्या शब्द हो सकता है, पैदा। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कैसा मैना बैल जकै शैतान पैर। तो बच्चों ये बड़े ए की मात्रा के शब्द थे जो खूब आसान था। इस तरह से जैसे कि मैं हर बार बताती रहती हूँ आपको, या और भी मात्रा के साथ इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं।